हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहता आलम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पबजी को इंडिया में बैन किए हुए लगभग 2 महीने हो गए। पहली दफा में क्या हुआ था कि पबजी को जब बैन किया गया था तो सिर्फ प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। उस टाइम आप प्ले स्टोर से पबजी को डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिन लोगों के फोन में पहले से इंस्टॉल था वो लोग खेल पा रहे थे, और जिन लोगों के पास नहीं था वो लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते थे या फिर अननोन सोर्स से डाउनलोड कर लेते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है कि पबजी को फाइनली बैन कर दिया है, उसके सर्वर को ही बैन कर दिया है, जिसकी वजह से आप पबजी नहीं खेल पाएंगे। अब पबजी वाले क्या सोचेंगे, अरे हमें क्या है भाई, हम तो पबजी खेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पबजी बैन होने के बाद भी खेल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो लोग किन तरीकों का इस्तेमाल करके पबजी खेल रहे हैं, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि उन लोगों का पबजी खेलना कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो बहरकैफ, बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। खैर, हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि पबजी को फाइनली बैन करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पबजी खेल रहे हैं, लेकिन कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के फोन में पहले से पबजी इंस्टॉल है और फाइनली पबजी बैन होने के बाद वो पबजी कोई काम का नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में वो लोग क्या कर रहे हैं कि वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लाइक ए 111 करके एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, 1111, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी कि वीपीएन सर्विस को इनेबल करके, यानी अपने कंट्री का सर्वर को चेंज करके किसी दूसरे कंट्री में मतलब तब्दील कर देते हैं, लाइक जैसे इंडिया का सर्वर जो है उसको चेंज करके यूएस के सर्वर में कन्वर्ट करके, मतलब यूएस का सर्वर इनेबल करके पबजी खेल पा रहे हैं। ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका यह है कि अगर फोन में पबजी इंस्टॉल ही नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसके लिए एक वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम है पांडा वीपीएन। और पांडा वीपीएन इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं सर्वर को कनेक्ट करने के लिए, इसके लिए वो लोग पांडा वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पांडा वीपीएन यूज करने के बाद, सर्वर कनेक्ट करने के बाद, वो लोग क्या करते हैं कि एक फ्रेश ईमेल आईडी क्रिएट करके लॉग इन करते हैं प्ले स्टोर में। उसके बाद पबजी मोबाइल हो या पबजी केयर वर्जन यानी कोरियन वर्जन हो, वो भी डाउनलोड करके इजिली खेल पा रहे हैं। और तीसरी तरीका यह है कि लोग अननोन सोर्स से डाउनलोड कर रहे हैं, लाइक एपीके प्योर, टैपटैप जैसी वेबसाइट से। डाउनलोड करने के लिए वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन खेलने के लिए वीपीएन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, पबजी खेलने वाले लोग खूब मजे से खेल रहे हैं, उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उनका पबजी खेलना क्या खामियाजा हो सकता है। अगर आप पबजी खेल रहे हैं तो आप ये ना समझें कि आप पबजी खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं, आप अपनी जान खुद जोखिम में डाल रहे हैं। अगर आप पबजी खेलते हैं और पकड़े जाते हैं तो साइबर लॉ के अकॉर्डिंग आपको सजा मिल सकती है, सजा में लाइक आपको जेल भी हो सकती है, इवन इससे भी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं कि आप जेल जाएं या फिर आपको कोई कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि आप सभी मेरे फैमिली है, टेक्निकल मेहता फैमिली का मेंबर है, और ये मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि आपको कोई सजा मिले। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, पबजी मोबाइल पूरे भारत देश में बैन हो चुका है, अगर आप फिर भी खेलते हैं अनऑफिशियली वर्जन्स के द्वारा, एपीके फाइल्स के द्वारा, तो आप समझिए कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। साइबर लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा करना जुर्म है, कोई भी बैन ऐप्स को यूज करना पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि अननोन सोर्स से पबजी डाउनलोड करते हैं तो आपका डेटा भारत के बाहर किसी दूसरे कंट्री में भेज दी जाती है, और फिर उस डेटा का क्या करती है कोई कंपनी, ये कोई भी नहीं जानता। अभी जितने भी अननोन सोर्स हैं जहां से लोग पबजी डाउनलोड कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि पबजी के नाम पर मैलिशियस एपीके मिल रहे हैं। जैसे ही वो पबजी डाउनलोड करते हैं तो फाइल्स के साथ आ जाता है। मैलिशियस क्या होता है पता है? मैलिशियस मैलवेयर होता है। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझे तो मैलवेयर तरह तरह के वायरसेस होते हैं, स्पाइवेयर होते हैं। अगर एक बार आपके फोन में स्पाइवेयर चला गया तो आपकी कोई भी चीज पर्सनल नहीं रहेगी, मतलब आपकी जो भी पर्सनल बातें हैं, पर्सनल चीजें हैं, वो आवाम तक पहुंच जाएगी, लोगों तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अगर किसी चीज को बैन किया है तो उसे फॉलो करें, अदरवाइज आप नहीं करते हैं तो आपके साथ कुछ भी होता है, लाइक अगर आपका डेटा चोरी वगैरह होता है, आपकी पर्सनल चीजें बाहर आती है, आवाम तक पहुंचती है जो कि नहीं पहुंचना चाहिए, तो इसकी जिम्मेवारी सरकार नहीं लेगी, इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। इनफैक्ट आपको और सजा मिल सकती है क्योंकि आपने रूल्स तोड़ा है। इसलिए याद रखें दोस्तों, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो बहुत सोच समझ के लेती है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस चाहते हैं, आई मीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कॉमेंट जानने का इंतजार रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, खासकर पबजी वालों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।